भी आसान चीजों के साथ। गुलाब का अर्क चाहिए आपको, बादाम का तेल चाहिए आपको, उसके बाद आपको थोड़ा सा नींबू का रस चाहिए 1 चम्मच, और उसके बाद आपको चाहिए सैंडलवुड पाउडर। आप सैंडल की लकड़ी ले लें और उसको खुद मोटा मोटा पीसने में जिस तरह से इस्तेमाल करना है हमारे काम आ जाएगी। उसके बाद आपको एलोवेरा जेल चाहिए। अब एक खाली बाउल लेते हैं और इसको किस तरह से बनाना है ये अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए और बिल्कुल इसी तरह से बनाइए। सबसे पहले मैं गुलाब का अर्क इसमें शामिल करूंगी। तीन चम्मच गुलाब का अर्क इसमें मैं शामिल करूंगी क्योंकि इसको मुझे खुद भी बना के रखना है। बना के रख लूंगी, इस्तेमाल का पता नहीं है मुझे कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। अब इस 3 चम्मच गुलाब के अर्क में 1 चम्मच लीमू का रस मैं शामिल करूंगी। लीमू भी आपको घर पे मिल जाएगा, गुलाब का अर्क भी होता है, इतना महंगा नहीं है। दोनों चीजों को मिक्स कर लें। अब इसके अंदर जो सैंडल की लकड़ी मैं लेके आई थी इसको मैं, आप ज्यादा बारीक पाउडर भी बना सकती हैं, लेकिन मैंने इसको पाउडर नहीं बनाया या मैं नहीं बना पाई, तो आप इसको ग्राइंड कर लें। बस इसको 1-1.5 चम्मच के बराबर जो है वो आप शामिल कर दें इस ऑयल और गुलाब के अर्क और लीमू के रस के अंदर। इसको आप 10 मिनट के लिए छोड़ दें जब तक इसका तमाम असर जो है वो निकल आएगा। इस तरह हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमने सीरम इस्तेमाल करना है, इस तरह चेहरे पे नहीं लगा सकते हम। तो आप, मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसका जितना भी असर है वो इसके अंदर निकल आए। जब तक मैं ये मिक्स होता है, मैं आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करती चलूं कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियो का मैसेज मिलता रहे, और उसके लिए आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है। उस रेड कलर का बटन है और उसके साथ एक बेल का बटन बन जाएगा, उस पर भी क्लिक करना है, आपको नई वीडियो का पूरी मैसेज मिल जाएगा। 10 मिनट के बाद इसका तमाम असर उसके अंदर निकल आया, गुलाब के अर्क और लीमू के रस के अंदर। मैं कोई सा भी मलमल का कपड़ा या कोई भी कपड़ा अवेलेबल है, मतलब ये ना कहें कि मलमल का है नहीं तो पता नहीं, उसको छान नहीं सकते, किसी भी सूती कपड़े के अंदर लॉन का कोई पीस है आपके पास उसके अंदर इसको डालें और उसको आप अच्छी तरह से निचोड़ लें ताकि ये जो जर्रे हैं लिट्टी के वो इसमें से निकल जाएं और हमें जो सीरम जो वाटर चाहिए वो हम इस्तेमाल कर सकें। अच्छी तरह से आप इसको निचोड़ लीजिए बाउल के अंदर और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपने इसमें मजीद क्या ऐड किया। आपने वीडियो के मुताबिक मुझे कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको अच्छी लगी या बुरी लगी। बुरी लगी है तो वजह भी बताइएगा, अच्छी लगी है तो शेयर लाजमी करिएगा। अब इसके अंदर मैं एलोवेरा जेल ऐड करूंगी। आपने जरूरी नहीं है कि ये जेल लेने चले जाना है, दूसरी जेल जो पत्ते में से भी आप ले सकते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक हो गया, इसको जो है वो गाढ़ी बनाने के लिए ताकि अप्लाई करने में आसानी हो तो मैं 2 चम्मच जो है वो इसमें एलोवेरा जेल ऐड करूंगी। ये वैसे भी स्किन के लिए बहुत अच्छी, आप लोग सब जानते होंगे ये बेस्ट है। बालों के लिए भी मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसको मिक्स करने के साथ अब हमने क्या करना है, इसमें बादाम का तेल ऐड करना है। अब मुझे ये भी पता है कि आप लोग पूछेंगे कि अगर हम बादाम का तेल नहीं ऐड करें तो आप जैतून